लेवल तक लेकर जाना है, तभी प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि आपको यू हैव टू बी वोकल फॉर लोकल, अपनी लोकल चीजों के लिए आपको आवाज उठानी होगी, आपको अपनी पहचान बनानी होगी अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर। एमएसएमई आपको स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो होंगे, स्टार्टअप्स उससे जुड़े रहेंगे, तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके भी देंगे। लेकिन जो हमारा परंपरागत आर्ट है वो, जैसे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर तो एग्जिबिट को वो देख रहे हैं, लेदर है, ब्रास है, हैंडीक्राफ्ट है, तो ये तमाम चीजें हैं जिनको आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तभी ले जा सकते हैं जब आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले और नेशनल और स्टेट लेवल पर आपको उसका भरपूर सहयोग मिले। क्योंकि आप मुरादाबाद से निकलकर दिल्ली तक तो आ जाएंगे, लेकिन दिल्ली से आगे आप कैसे जाएंगे, आप यूरोप का मार्केट कैसे कैप्चर करेंगे, अमेरिका में आपकी कैसी पहचान, कैसे पहचान बढ़ेगी, इस सब चीजों का ध्यान जब रखती है सरकार, तब हम जाकर उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए काबिल होंगे। हम मजबूत तभी बनेंगे जब हम नीचे से ऊपर तक आएंगे, क्योंकि जो बड़े जायंट्स है वो अपने प्लांट्स लगा देंगे, वो उनकी भी एक लिमिटेशन है कि उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट जेनरेट कैसे करके देंगे। अगर आप स्किल्ड लेबर है कॉटेज इंडस्ट्री में तो आप बड़े प्लांट्स के अंदर कैसे काम करेंगे। और देखिए आप ये एक दृश्य आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जिबिट से अभी कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे, अभी वो जायजा लेते हुए दिखाए जा रहे हैं आपको। तो ये तमाम चीजें चंद्रशेखर हैं जो आपको बताती हैं कि आप ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जब तक आप बढ़ेंगे तभी विशाल, आप विशाल, मजबूत होंगे। विशाल एक दृश्य इसमें दर्शकों को ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो ब्रह्मोस एरोस्पेस जो मिसाइल प्रोजेक्ट है उसको जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं दर्शक, ब्रह्मोस एरोस्पेस, ब्रह्मोस मिसाइल, ये डीआरडीओ का डेवलप किया हुआ प्रोजेक्ट है।